सबसे पहले तो वॉशरूम चलते हैं और फिर देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए। ये सालन अच्छा, ये तो एम ही है, बस बिरयानी भी नॉर्मल है। दूसरा टायर ये गया पीछे की तरफ से, यह टायर अब इसकी रिम चेंज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। भाई अभी मैं हूँ फैज़ाबाद इस्लामाबाद में, या पिंडी कह लो, फैज़ाबाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में होता है। और फैसल मूवर्स की टिकट शाम को ही बुक करा ली थी, कल मैं आ गया था जो है तो कश्मीर से यहाँ पर स्टे किया था इस्लामाबाद में। तो अब जो है ना फैसल मूवर की टिकट है और चलते हैं हैदराबाद के लिए और आपको दिखाते हैं फैसल मूवर का सफ़र इस्लामाबाद से हैदराबाद के लिए। आ जाओ, टिकट जो है ना वहाँ उस तरफ से बुक कराई थी, वो जो है टर्मिनल, और उन्होंने कहा था यहाँ से जाएगी सुबह 10 बजे, आप 9 बजे आ जाइएगा। तो चलते हैं भाई, क्या सिस्टम है फैसल मूवर की तरफ। ये रहा टर्मिनल, गाड़ी अभी आई नहीं है और एग्जीक्यूटिव वेटिंग हॉल में उन्होंने भेज दिया। ये रहा वेटिंग हॉल। अस्सलाम वालेकुम। पंखे इस तरफ हैं, पंखे वेटिंग हॉल में वेट कर रहा हूँ। गाड़ी का बाकी गाड़ी भी आने वाली है तो बिल्कुल सही जगह पहुँच गए। अच्छा भाई, सामान रख दिया और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी आ गई है और चलिए गाड़ी में बैठते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बड़ा रास्ता, गार्ड भाई को तो भेज दे, सीट निकली हुई है, वहाँ पे कैसे बैठेंगे? एक्सक्यूज मी, ये भाई हमारी सीट और ये पूरी बस खाली है। अभी तो बस बैठ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और टाइम है 9:45 का। अलहमदुलिल्लाह गाड़ी में बैठ गए, अब जैसे ही चलती है हैदराबाद का सफर शुरू। और हमें कहा है कि आपको इंशाल्लाह सुबह 4 या 5 बजे हैदराबाद अयूब होटल पर बता देंगे, देखते हैं क्या होता है। ये एक स्क्रीन दी हुई है इन्होंने 6,000 रुपये के टिकट में, तो यहाँ पे ये स्कैन दिया हुआ है, ये नहीं है इसमें, मेरे पास ये है। और ये लेग रेस्ट भी आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें, ये भी है आराम से, यानी बैठ सकते हैं आप लोग। एग्जीक्यूटिव क्लास है फिलहाल, तो इसको बंद कर देते हैं। और ये ऊपर एसी वगैरह भाई, यहाँ पे इंटरनेट मौजूद नहीं है, गेम है कार्ड, ये किस काम की पता नहीं है, पुराने पाक है। सबसे पहले वीडियो गेम पे देखते हैं, तो 3 वीडियो गेम है बस। यहाँ पे कैंडी क्रश है, अच्छा एंग्री बर्ड्स भी है, 4 है भैया ये देखें। और ये कुरान पाक है यहाँ पे, माशाल्लाह सूरह फातिहा बकर पूरा कुरान पाक सूरत के हिसाब से यहाँ पे रखा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पर इसके लिए चाहिए हैंड फ्री, यहाँ पे जो लगेगी या यहाँ पे जो लगेगी देखते हैं। और ये शायद चार्जिंग का ऑप्शन है। ये रिफ्रेशमेंट का डब्बा मिला है और इसके अंदर है 1020 वाली चिप्स, एक कपकेक 15-20 रुपए वाला, और यह है नींबू, ये भी कोई 10-15 रुपए वाली है बस। और भी एक कोल्ड ड्रिंक या पानी अभी आएगा इसके लिए कप देख लीजिए। तो बीरा इंटरचेंज पे स्टॉप किया है, सबसे पहले तो वॉशरूम चलते हैं और फिर देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए। भाई टोबा टैक्सिंग और शोरकोट के बीच में देखें, आंधी ने आ घेरा है हमारी गाड़ी को, ये देखें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। भाई कंपनी की ये जो फैसल मूवर्स है ना, ये आके रुकी बालाबाद रहीम यार खान की तरफ, वो जो हमें जो खाना दिया गया वो ये है। ये सालन अच्छा, ये तो एम ही है, बस बिरयानी भी नॉर्मल है पर ये चीज़ एम ही है। अभी हम रहीम यार खान में आए हैं और अभी भी तकरीबन 7-7.5 घंटे चाहिए बजने के लिए। अच्छा भाई हमारा गाड़ी में बैठ गए हैं, गाड़ी चलने वाली है, यहाँ लोग कहते खाना खाने के लिए फैसल मूवर्स के साथ।
सॉरी खाना जो तकरीबन नॉर्मल ही था और 20 मिनट का खाता, मगर इसके तकरीबन 40 मिनट का है यहाँ पे। ये इन्होंने ऐसे ही कह दिया होगा कि जल्दी जल्दी काम कर लेंगे, निकाल लेंगे तो आ जाएंगे। बारह जो भी था हमने खा लिया और अब चलते हैं सीधा हैदराबाद। और वह अभी जो रात के तकरीबन 8:45 बज रहे हैं, अब क्या ब्लॉगिंग होगी। अब भाई जो है ना आपको 5 बजे हैदराबाद ही दिखा दूंगा अयूब होटल। अगर रास्ते में कहीं रुके और मैं उठा हुआ तो फिर मैं और वो भी दिखा दूंगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई गंबन से थोड़ा पहले ना गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो अभी रास्ते में खड़े हुए हैं। जैसे ही चलेगी तो उसे देखते हैं। और तकरीबन 11:30 बज रहे हैं, 11:45, और टायर पंचर हो गया धमाके से। खाना गंबन से तकरीबन 12-15 किलोमीटर रह गए, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया फैसल मूवर्स का, और रात के 12 बज रहे हैं और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये देखें टायर तब्दील होगा उसके बाद गाड़ी चलेगी। 10 मिनट हो गए, अब देख रहे कितनी देर लगती है। बस अल्लाह खैर करे, खैर से पहुँचाए आगे। भाई ये देखें पुलिस आई है, चेक करके जा रहे हैं क्या होगा गाड़ी में। ये पुलिस की लाइट आपको नज़र आ रही होगी, अंधेरे में ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रहा, मगर उसकी जो ऊपर वाली जो लाइट है ना रिवॉल्विंग लाइट वो नज़र आ रही है। ये सीन पुलिस की गाड़ी है। ऑलमोस्ट 12:30 हो गए मगर अभी तक गाड़ी खड़ी हुई है, पता नहीं क्यों। अब क्या कर रहे हैं, अंदर आ गया भाई पायलट, अब गाड़ी चलेगी इंशाल्लाह। तो भाई ड्राइवर 3-4 दफा सीट पे आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। अब जो है ना गाड़ी चल के बिल्कुल स्लो स्लो पे दिखाता हूँ आपको। ये देखो बहरहाल ये अब जो है ना पेट्रोल पंप पे ले जाने की कोशिश कर रहा है ताकि इसको जो है सही कर सके। अच्छा भाई एक नहीं दो टायर एक साथ बस्ट हुए, जब ही गाड़ी पूरी हिल गई थी इस तरह से, और ज़ोरदार धमाका सुनाई नहीं अंदर। हालांकि ये एयर कंडीशन गाड़ी है और एसी जो गाड़ियाँ होती हैं ना उसके अंदर आवाज़ इतनी नहीं आती, क्योंकि जोर के धमाका हुआ था। एक साथ दो टायर फटे, तब पीछे से गाड़ी आएगी फिर हम जाएंगे। एक टायर तो भाई ये गया है और दूसरा टायर ये गया पीछे की तरफ से, और ये मोटरवे पुलिस की गाड़ी, और हम इस पंप पे खड़े हुए हैं अभी रात के 12:30 और 12:45। अच्छा भाई ड्राइवर साहब ने बताया कि टायर इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि दूसरी कंपनी गाड़ी आ ही नहीं रही है, क्योंकि सईदाबाद से रास्ता बंद है शाम 4-5 बजे से। एक नई मुसीबत अब ये दूसरे रास्ते से लेके जाएगा, मगर पहले टायर तो आए। अभी फ़ोन पे बात की है ड्राइवर ने तो पता चला है कि 3 गाड़ी आ रही है, एक शक्कर की पहुंच गई है इस्लामाबाद वाली है या लाहौर वाली कोई भी है, और दूसरी कराची से जो 2 आ रही है ना वो कंडियारो पहुंची है। अभी तकरीबन 35-40 मिनट लगेंगे कंडियारो वाली गाड़ी को, और शक्कर वाली शायद ज़्यादा ले लें तो आएंगे तो अब काम होगा। बहरहाल अभी ये जैक फंसाने में लगे हुए हैं, और दूसरी बात कि इसके पास अपना जैक भी नहीं था, इसने दूसरी गाड़ी से जैक लिया मेरे सामने, हद हो गई है। या फिर शायद इसके पास एक जैक था, दूसरा जैक इसने दूसरी गाड़ी वाले से लिया, दोनों लगाए, एक आगे लगाया एक पीछे लगाया, मगर इसने एक जैक लिया ज़रूर है। भाई गाड़ी आ गई मतलब टायर आ गया, मुल्तान टू कराची वाली गाड़ी आई है, ये 999 का नंबर है इसका। भाई ये गाड़ी है हायर की और ये यूटोंग, तो इसकी इसके टायर की रिम चेंज करके इसमें लगा देंगे और काम बन जाएगा इंशाल्लाह। ये एक टायर तो मिल गया, ये देखें ये जा रहा है, ये जा रहा है पीछे की तरफ, ये आ गया टायर। अब इसकी रिम चेंज करेंगे और फिर काम हो जाएगा एक टायर का। तो एक और गाड़ी आ गई ये और एक ये, और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, अब देखते हैं क्या होता है। टायर खुले हुए हैं, ये देखें टायर खुले हुए हैं गाड़ी के। रात के 2:30 बज गए भाई उसी जगह पे, और बस आखिरी के 5-10 मिनट हैं
टायर के नट लगा रहा है वो, और मुझे लग गई भूख, मेरे पास है ये बिस्किट, मुझे लग गई भूख, मेरे पास है बिस्किट ये, और मैं खा रहा हूँ इसको। पूरे 2.5 घंटे जाया हूँ, 2.5-3 घंटे यहाँ पर। फाइनली गाड़ी चल पड़ी हुई तकरीबन 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, या 12 बजे से 2:30 बजे तक जो है ना, कि हम यहाँ पर खड़े रहे थे, दोनों टायर पंचर हो गए थे, बड़ी मुश्किल हुई भाई। अभी गाड़ी ने उतारा है कैसल मोड़ में अपने टर्मिनल पे, यू होटल वाले टर्मिनल पे, और अब मैं रिक्शा लेके जा रहा हूँ घर पे। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।